बहुत अच्छा रुझान था। हम उस समस्त बिहार के धन्यवाद देम जहाँ कल फर्स्ट पोलिंग भइल, जहाँ पर कल पहली पोलिंग हुई। जो हमको ज़मीनी खबर आई है कि माताओं बहनों ने उत्साह से एनडीए सरकार को, एनडीए की मोदी जी नीतीश जी की सरकार को वोटिंग की है। सारे भाइयों ने, जवानों ने, खास नौ युवकों ने, बाबा लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। हम लोग सरकार बना रहे हैं और बहुत भारी मतों से जीत के सरकार बना रहे हैं। तो मैं समस्त बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूं। फीडबैक बहुत अच्छा, बहुत शानदार मिल रहा है। चला जेके चुनाव चला था, विपक्षी कुछ न कुछ बोलेंगे, उनका काम है बोलना। लेकिन एनडीए का काम है कि एक सरकार को सुशासन तरीके से चलाना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो दोबारा से जैसे बिहार ने तय कर लिया है कि लालटेन युग में नहीं जाना है, अंधेरे के युग में नहीं जाना है, प्रकाशमय बिहार है, इसको और प्रकाशमय और ज्वलित करना है, सूर्य भगवान की रोशनी की तरह। और ये तय कर लिया है बिहार ने कि दोबारा लालटेन युग में नहीं जाना है, दोबारा जंगल राज में नहीं जाना है। सर तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि देखिए हमारे पीछे, हम अकेले हैं, हमारे पीछे पूरा बीजेपी, भारत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी प्रचार कर रही है, 30-30 हेलीकॉप्टर यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है, कई तरह की बातें कहना पड़ रहा है, जंगल राज की बात नहीं। नहीं देखा, एगो बात कहीं, वो बात ही नहीं, बात सबके दुनिया के मालूम बा कि जंगल राज के युवराज के वर्णन तो दुनिया कहता, जोनो जहाँ भी जा रहे हैं तो यही बात आ रही है सबको। ये देखिए, आप लोग भी बड़े हुए हैं, कुछ लोग नया जवान लोग हैं, अपने माता पिता से पूछिएगा 15 साल पहले, क्योंकि हम यहाँ शूटिंग करने आते थे, 20 साल से हम बिहार का गांव-गांव शूटिंग किए, हमसे कोनो बिहार का कोनो गांव बचा नहीं। और सबको पता है, आप लोग भी हमको जानते हैं, हम कितने साल से आ रहे हैं, तो हम भी जान रहे थे कि जंगल राज क्या था, लालटेन राज क्या था, अंधेरे वाला बिहार क्या था। अब उजालामय बिहार हो चुका है, रोशनी वाला बिहार है। मोदी जी पूरी तरह से आकर्षित रहते हैं बिहार की तरफ, एनडीए सरकार चौमुख विकास करने के लिए पूरी तत्पर है, और बिहार भी चाह रहा है कि दोबारा अंधेरे काल में हम ना जाएं, हम लोग उजाले में रहें, जैसे हम बिहार जैसे जाना जाता है, और जैसे एक तेजमय भगवानों की धरती है, ये सीता माई की धरती है, गुरु गोविंद की धरती है। पिछले बार जब नरेंद्र मोदी आए थे विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने 35 घोटाले गिनवाए थे, इस बार क्यों नहीं गिनवाए नीतीश कुमार? देखा, वो अभी विपक्षी अभी कुछ भी बोलेंगे, ये लोग कुछ भी बोलेंगे, जो मन कर रहा है बोलेंगे। हम तो बस यही जा रहे हैं कि नमः पार्वती पते, इस बार एनडीए सरकार आ रही है, हर हर महादेव, और विपक्षी लोगन के स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कुल विरोधी लोगन के हो जाए इबेर स्वाहा स्वाहा स्वाहा।